Hi students, my name is Sagar Pandya and today we are going to continue with the next part of the chapter. We are going to start with the second part of the fourth chapter, that is colonialism and the Marathas. Let's start. Hi students, continuing with the next part, learning about different colonialism. Now, when we talk about colonialism, जो भी हम लोगों ने देखा तो till now we studied about different countries जो यहाँ पे आए थे rule करने के लिए. When we are talking about different countries, in this chapter we are going to understand how colonialism affected our country and कौन से ऐसे countries के लोग आए थे या कौन से countries से ऐसे companies आए थे India के साथ trade करने and Marathas के साथ डील किया था उन्होंने. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट ऑल दीज पार्ट्स. हम लोगों ने स्टार्ट किया लर्निंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ब्रिटिश. अभी ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स जब भी आए विथ वन पर्टिकुलर मोटिव. मोटिव क्या था? दैट इज ट्रेड. जैसे मैंने बोला, दे हैड कम विद अ पेयर ऑफ स्केल्स इन वन हैंड एंड बाइबल इन द अदर. मतलब एक हाथ में पेयर ऑफ स्केल्स था तराजू, दूसरे हाथ में बाइबल था. मतलब पेयर ऑफ स्केल्स तराजू मतलब ट्रेड करने आए थे, बाइबल था मतलब रिलीजन स्प्रेड करने आए थे. द पोलिटिकल रिलेशन बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द ब्रिटिशर्स बिगैन बेसिकली ड्यू टू अफजल खान. और वो जो अफजल खान एपिसोड हुआ था उसकी वजह से ही ब्रिटिशर्स और शिवाजी महाराज नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में आए. क्यों? बिकॉज प्रायर टू द मीटिंग बिटवीन महाराज एंड अफजल खान, दाबोल वॉज कॉन्कर्ड बाय द मराठा आर्मी. नाउ दाबोल वॉज कॉन्कर्ड बाय मराठा आर्मी एंड दाबोल वॉज ऑफ वेरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. क्यों? बिकॉज वहाँ से जितने भी कंट्रोल था, जितना भी नेवी के शिप्स जाते थे, वो सब उसके थ्रू पास होता था. सो दाबोल बहुत इंपॉर्टेंट था. दाबोल वॉज कॉन्कर्ड बाय द मराठा आर्मी. एट दैट टाइम देर वर 3 ships ऑफ अफजल खान अनलोडिंग इन दाबोल. अभी वो अफजल खान का 3 ships ऑलरेडी वहाँ पे अनलोड हो रहा था. जैसा रिपोर्ट आया कि भाई अफजल खान का एपिसोड हुआ जब शिवाजी महाराज ने उनको मार दिया था, जैसा वो न्यूज आया, दैट इज द डेथ ऑफ अफजल खान, मोहम्मद शरीफ हिज रिप्रेजेंटेटिव इन दाबोल, ही सेड कि भाई इधर हम लोग अनलोड नहीं कर सकते, हम लोगों को भागना पड़ेगा. वो लोग भागे किधर? राजापुर. जब ही वो लोग राजापुर भाग गए, 3 शिप था. अभी अफजल खान का बेटा फजल खान आस्ट अब्दुल करीम द सूबेदार ऑफ राजापुर कि भाई एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे अनलोड कर लो शिप. द मराठास टूक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक राजापुर एंड कॉन्कर्ड इट. नाउ अब्दुल करीम हु हैड कंट्रोल्ड और कैप्चर्ड, और बेसिकली जब ये एरिया उसके कंट्रोल में नहीं था तो अभी क्या किया, जो ऑलरेडी लोन में था, लोन किससे लिया था? ब्रिटिशर्स से. सो हु हैड ऑलरेडी टेकन लोन फ्रॉम द ब्रिटिश वॉज अनेबल टू रीपेड, वो पे नहीं कर सका. हेंस द ब्रिटिश सीज्ड वन आउट ऑफ द 3 शिप्स विच वर इन अब्दुल करीम्स चार्ज. लोन लिया था अब्दुल करीम ने, कौन था? सूबेदार. शिप किसका? मुगल्स का. तो दिस वॉज द सिचुएशन. ऑफकोर्स दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल. इफ दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल, अभी एक चीज सिंपल मराठास ने समझा कि भाई अभी अगर ब्रिटिशर्स का दुश्मन मराठास, ब्रिटिशर्स का दुश्मन मुगल्स, दुश्मन का दुश्मन दोस्त. नो, दोस्त ही नहीं करना था, बट ब्रिटिशर्स को हराना था. सो ऑफकोर्स दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द मराठास एंड दे आज द ब्रिटिशर्स टू रिटर्न द शिप. दे आज द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने बोला वी आर नॉट गोइंग टू, ना बोल दिया, सीधा रिफ्यूज कर दिया. हेंस द मराठास डिटेंड वेलाजी द लोकल एजेंट. उनका जो ब्रिटिशर्स का लोकल एजेंट था वहां पे जयपुर में, वो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया. हेंस द मराठास डिटेन्ड वेलाजी. जब ही उसको डिटेन कर लिया, फिलिप जिफर्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड मराठा कैंप टू रिक्वेस्ट वेलाजीज रिलीज, बट ही वॉज डिटेन्ड देयर टू. लेटर बोथ ऑफ देम वर रिलीज्ड, हाउएवर दिस इंस्टेंस स्ट्रेन्ड द मराठा एंड ब्रिटिश रिलेशन. लेटर ऑन दोनों को छोड़ दिया, फिलिप जेफर्ड एंड इसको वेलाजी को. बट लेटर ऑन प्रॉब्लम क्या हो गया कि मराठास और ब्रिटिशर्स का रिलेशन खराब होने लगा. अभी रिलेशन खराब हो गया, ओके फाइन, वी डू नॉट केयर फॉर दैट. व्हेन द पन्हाला फोर्ट वॉज अंडर सीज लेड बाय आदिल शाह आर्मी एंड छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द फोर्ट. नाउ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि आदिल शाह के आर्मी ने, ऑफकोर्स वो पन्हाला फोर्ट में जब ये सिचुएशन हुआ था, इंस्टेंस हुआ था कि उनको बांध के रखा था, उनको नहीं जाने दिया था. ही हिमसेल्फ मतलब कैसा हो गया था सिचुएशन के उन्होंने बहाना बनाया था दैट ही इज़ नॉट वेल. तो डॉक्टर्स को एंड उन्होंने बोला कि अपने
अपने हमारी मान्यताओं के हिसाब से अगर किसी को दान धर्म करेंगे तो हम लोगों को उसके हिसाब से मतलब अच्छा रहेगा। तो बाहर से लोग आने लगे एंड इतने बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर वो सब चीज़ें आने लगी, दवाइयाँ आने लगी और वो लोग स्वीट्स बेचते थे। एंड आदिल शाह ने बोला ठीक है भाई ये करने देते हैं हम लोग उनकी मान्यताओं के हिसाब से। एक दिन ऐसा हुआ शिवाजी महाराज वही कंटेनर में बैठ के निकल दिए। मतलब जैसे वो निकले दैट वॉज द विक्ट्री ऑफ द मराठास एंड दिस वॉज अ टाइम वेन शिवाजी महाराज वॉज ट्रेप्ड इनसाइड द फोर्ट। हेनरी नेविंगटन अ ब्रिटिश ऑफिसर जिफर्ड एंड वेलाजी वर सप्लाइंग एम्यूनेशन टू आदिल शाह। जस्ट इमेजिन ब्रिटिशर्स ने मदद किया इन लोगों को, दिमाग देख। वही टाइम पे दे वर सर्टन दैट दे देर वॉज नो एस्केप फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रॉम दिस सिचुएशन। हावेवर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल इन एस्केपिंग द फ्रॉम पन्हाला फोर्ट। नेक्स्ट ईयर द मराठास डिफीटेड द ब्रिटिश इन द राजापुर कैंपेन। द ब्रिटिश ऑफिसर्स हेनरी रेविंगटन एंड रैंडोल्फ टेलर एंड ऑल्सो विथ फिलिप जिफर्ड वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजेंट फॉर 2 ईयर्स। नाउ ऐसा सिचुएशन हो गया कि ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को ही उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। अर्लियर उसके पहले ल्यूटिनेंट स्टीफन यूस्टिक हैड मेट छत्रपति शिवाजी महाराज ऑन रायगढ़ फॉर ऑप्टेनिंग परमिशन फॉर अ ब्रिटिश फैक्ट्री ओवर देयर। मतलब रायगढ़ में फैक्ट्री, बच्चा याद आया डच ने भी फैक्ट्री बनाया था, पोर्चुगीज ने भी फैक्ट्री बनाया था, परमिशन किससे लिया था? छत्रपति शिवाजी महाराज से। और अगर महाराष्ट्र में आना है, हमारे एरिया में आना है और यहाँ पे ही तुम लोगों को फैक्ट्री बनाना है तो परमिशन तो लेना पड़ेगा ना बॉस। इसके लिए मीटिंग बिटवीन सुंदर जी एंड पिला जी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड यूस्टिक वॉज अरेंज बट द नेगोसिएशन इन दिस मीटिंग वर नॉट सक्सेसफुल। नेगोसिएशन अच्छा नहीं था, क्यों? बिकॉज वो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डिमांड किया था ब्रिटिशर्स ने। हेनरी ऑक्सेंडन अ ब्रिटिश एजेंट वॉज प्रेजेंट इन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी महाराज। जब भी उनका राज्याभिषेक हुआ था वो टाइम पे ही ऑब्टेन्ड द परमिशन टू ओपन अ ब्रिटिश फैक्ट्री एट राजापुर। फाइनली ऑन 12th of June 1674 एन अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश एंड द मराठास फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस वर इंक्लूडेड इन द अग्रीमेंट। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे? इशूइंग परमिशन फॉर द ब्रिटिश ट्रेड टू ट्रेड इन स्वराज्य अपना एरिया, टू ओपन फैक्ट्रीज इन राजापुर, दाबोल, चौल एंड ऑल्सो कल्याण, राइट ऑफ द मराठास टू लिवाई ऑक्ट्रॉय दैट इज 2.5% ऑक्ट्रॉयज ऑन द ब्रिटिश गुड्स विल बी देर। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ ब्रिटिश कॉइनेज इन द मराठा डोमिनियन। हम लोगों का खुद का, हमारा खुद का कॉइनेज चलेगा, तुम्हारा करेंसी नहीं आएगा। ही ऑल्सो रिफ्यूटेड सम ऑफ द कंडीशंस पुट बाय द ब्रिटिश सच एज द ब्रिटिश गुड्स फाउंड अ फ्लोट फ्रॉम द रेक्ट शिप शुड बी रिटर्न टू देम। उनका जो शिप्स का जो मिला था, जो गुड्स मिला है, अगर कोई रेक्ट शिप मिला, कोई टूटा हुआ शिप मिला तो वापस कर देने का। एंड द मराठास शुड एंटर अ ट्रीटी विद द सिद्दीज ऑफ जंजीरा। दिस क्लियरली रिवील्स हिज रेजोल्यूट पॉलिसी, सुप्रीम पॉलिसी, रूलिंग पॉलिसी और सेफ गार्डिंग मराठा सोवरेंटी। सोवरेंटी मतलब सुप्रीम रूल। इन द टाइम्स आफ्टर छत्रपति शाहू महाराज नाना साहेब पेशवा टुक चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जैसे ये चार्ज आया, एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लेने लगे, द ब्रिटिश कुड एंश्योर देयर एंट्री इन द पोलिटिकल अफेयर्स ऑल्सो ऑफ द मराठास। एज नाना साहेब ऑन वन ओकेशन एक बार हेल्प लिया था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, नाना साहेब वॉज सक्सीडेड बाई हिज सेकेंड सन माधवराव पेशवा। हावेवर नाना साहेब यंगर ब्रदर रघुनाथ राव वॉन्टेड टू बिकम द पेशवा। रघुनाथ राव अलियास राघोबा अप्रोच द ब्रिटिश फॉर हेल्प। अभी ब्रिटिशर्स ने बोला यार तुम लोग ही मदद करने आए तो फिर हम तो हेल्प करेंगे, बट प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो मराठास के जो मतलब वो टाइम पे जो माधव राव थे, रघुनाथ राव थे, उन लोगों ने जब भी मदद लिया मतलब इट रिजल्टेड इन अपॉइंटिंग अ ब्रिटिश एनवॉय इन पेशवा कोर्ट इन पुणे। सो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना फर्म बिलीफ, वहाँ पे अपना कंट्रोल डालना चालू किया। इन 1765 द ब्रिटिश टुक ओवर द फोर्ट एट मालवन। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा हिज यंगर ब्रदर नारायण राव बिकेम पेशवा। इन हिज रेन, इन हिज रूल द ब्रिटिश ट्राइड टू कॉन्कर डिफरेंट एरियाज लाइक थाने, वसई, विजयदुर्ग एंड रत्नागिरी। In North India, the Mughal Emperor was under the protection of Shinde and the Holkers. By this time, the British had become active to get the custody of the Mughal Emperor and to reduce the power of Bhosle dynasty of Nagpur in Bengal.
for the British to bring the region of Sashti, that is later on Sashti and Vasai, to Konkan under their sway, that is under their rule, was main priority for trading operations. So they were already planning and moving in the same direction. रघुनाथ राव पेशवा वॉज ऑफर्ड असाइलम बाय द ब्रिटिश. मतलब अभी तक ऐसा सिचुएशन हो गया कि भाई सस्ती वसई कोंकण किसके पार्ट, ब्रिटिशर्स के पास. पेशवा वॉज ऑफर्ड असाइलम कि भाई हम लोग पेशवाई को हेल्प करेंगे. ब्रिटिशर्स ने बोला हम लोग पेशवाई को मदद करेंगे. द ब्रिटिश आर्मी मार्च्ड फ्रॉम मुंबई टू पुणे विथ रघुनाथ राव पेशवा इन देयर एस्कॉर्ट. द ब्रिटिश आर्मी एंड द मराठा आर्मी मेट एट तळेगाव वडगांव नियर पुणे एंड हैड अ कॉम्बैट बिटवीन देम. दोनों के बीच में बैटल हुआ, फाइट हुआ. द ब्रिटिश आर्मी एंड ऑफकोर्स रघुनाथ राव विथ हिम वॉज डिफीटेड बाय द मराठास. अ ट्रीटी वॉज साइंड विच इज नोन एज वडगांव ट्रीटी. लेटर नाना फडणवीस फॉर्म्ड एन अलायंस ऑफ फोर रूलर्स, नेमली पेशवा, भोसले ऑफ नागपुर, निजाम एंड हैदर. However, the British successfully persuaded the Nizam to break the alliance. Nizam ने alliance, मतलब ये चार लोगों ने बोला कि हम लोग ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, तुम लोग ट्रेड करो इधर, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ हम लोगों का जो किंगशिप है वो हमारा वैसे का वैसा रहना चाहिए. All through these happenings, जो ब्रिटिशर्स ने निज़ाम के साथ जो alliance बनाया था, alliance मतलब friendship treaty बनाया था, वो तोड़ दिया ब्रिटिशर्स. All through these happenings, the British governor Warren Hastings had realized that if the British had to establish their permanent rule in India, it was crucial to subdue the Maratha. मतलब अगर rule बनाना है तो वहाँ पे एक साथ Marathas को stop करना मुश्किल है. इसके लिए उन लोगों ने चार parts में अलग अलग way में divide कर दिया. In the Battle of Kharda, Taluka, that is Jamkhed, district of Ahmednagar, the Maratha army had a sweeping victory over the Nizam. The British envoy was present at that time in the Maratha camp, could minutely observe and study the military tactics of Maratha. मतलब वो टाइम पे जो वहाँ पे ब्रिटिश जो भी वहाँ पे ब्रिटिश एनवॉय था, जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हेल्प करने आया था, जो मराठास के अगेंस्ट था, वो माइन्यूटली डिटेल देख रहा था कि भाई ये गलत हो रहा है, ये टैक्टिक्स यूज़ कर रहे, ये मराठास यूज़ कर रहे. मतलब उसने नोटिस किया कि मराठास भी डिफीट हो सकते हैं. अभी तक जो माइंडसेट लोगों का था, रादर जो माइंडसेट इंडियंस का था कि ब्रिटिशर्स कैन नॉट बी डिफीटेड, वो अभी चेंज हो गया. अभी लोग ब्रिटिशर्स सोचते थे कि मराठास कैन नॉट बी डिफीटेड. बट अभी जब इसने देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा, उसने लॉर्ड वेलेस्ली को जाके बताया, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो लॉर्ड वेलेस्ली को बोल दिया एंड वो फॉर्म में एक्सप्लेन किया दैट मराठास कैन ऑल्सो बी डिफीटेड, उनको भी डिफीट किया जा सकता है. एंड स्ट्रैटेजीज बनाना चालू किया, टेक्निक बनाना चालू किया, टैक्टिक्स बनाना चालू किया. नाना फडणवीस डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाजीराव पेशवा टू. द रिलेशंस बिटवीन होलकर एंड बाजीराव पेशवा टू हैड टर्न्ड बिटर. एज अ रिजल्ट यशवंतराव होलकर अटैक्ड पुणे. बाजीराव टू पैनिक्ड एंड सॉट असाइलम फ्रॉम द ब्रिटिश. द ट्रीटी साइंड, मतलब बाजीराव पेशवा टू पैनिक, डर गए थे एंड वो टाइम पे असाइलम किसका लिया, ब्रिटिशर्स का. द ट्रीटी साइंड बिटवीन बाय द ब्रिटिश एंड द पेशवा आफ्टर हिज इंस्टेंस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वसई. हावेवर दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू शिंदेज एंड द होलकर्स. हेंस वो टाइम पे देर वॉज अनदर एंग्लो मराठा वॉर. एंग्लो मराठा, ब्रिटिशर्स एंड मराठास का वॉर हुआ. एंग्लो मराठा वॉर इन द ईयर 1803. 1803 में वॉर हुआ. द मराठास वर डिफीटेड इन दिस वॉर. द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉर्ट इन 1817. द मराठास वर अगेन डिफीटेड एंड द मराठा रूल फाइनली केम टू एन एंड इन 1818 एंड ब्रिटिशर्स कुड कैप्चर दिस एरिया. बाजीराव पेशवा वॉज ग्रांटेड एन एन्युअल पेंशन बाय द ब्रिटिश एंड ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन बिथुर नियर कानपुर. द नेक्स्ट रूलर्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज़ द सिद्दी एंड द मराठास. नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, द सिद्दीज एंड द मराठास. इन द लैटर हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सिद्दी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम एबिसिनिया, दैट इज इथियोपिया. इथियोपिया से, दैट इज अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से ट्रेड ऑफ स्लेव्स से इंडिया लाया गया था. दे एस्टैब्लिश देमसेल्स एट जंजीरा. छत्रपति शिवाजी महाराज टुक ओवर द फोर्ट्स एट तले, घोसाले, रायरी. सिद्दी वॉज अलार्म्ड बिकॉज ऑफ दिस.
इन 1671 यहाँ पे ऐसा हुआ था, मराठा आर्मी ब्लॉक्ड ऑल द अप्रोचेस टू जंजीरा फोर्ट. सिद्धि अग्री टू सरेंडर द फोर्ट टू द मराठास, के बोला कि भाई हाँ ठीक है तुम लोगों को हम लोग सरेंडर करते हैं, बट एट द सेम टाइम बोला कि हम लोग फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार है मराठास के साथ. मराठास ने बोला हम लोगों को कोई फ्रेंडशिप नहीं करना. दूसरे साइड पे सिद्धीज ने बोला ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, तुम लोग हमारा फोर्ट ले रहे हो ना, नो प्रॉब्लम. दूसरे साइड पे मुगल्स के साथ दोस्ती कर लिया. A hand of friendship was given, was extended by the Siddhis to the Mughals and expressed readiness to their feudatory. Feudatory मतलब landlordism. Landlordism चालू कर दिया किसने? Mughals ने. Ready था कि भाई हाँ तुम लोग हम लोग के ऊपर जुल्म करो, landlordism करो. We are ready to pay taxes. The Mughal agreed to help him. With the help of Mughals, Siddhi successfully repulsed the Maratha army. Repulsed मतलब fight back किया. Siddhi and the British always helped each other against a common enemy. मतलब Siddhi एंड मुगल साथ में थे, अभी सिद्धीज ने ब्रिटिशर्स के साथ भी हाथ मिला लिया. ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया टू बेसिकली कॉमन एनिमी था कौन? मराठास. टू स्ट्रेंथन द मराठा पोजिशन अगेंस्ट दीज टू, छत्रपति शिवाजी महाराज बिगैन टू बिल्ड अ फोर्ट एट खांदेरी. खांदेरी में फोर्ट बनाया. द कंस्ट्रक्शन वॉज सुपरवाइज्ड बाई माइनिक भंडारी. ह्यूज, अ ब्रिटिश ऑफिसर, अटेम्प्टेड टू शट डाउन द कंस्ट्रक्शन. कैसे? कि भाई जो सप्लाईज आ रहे थे वहाँ पे, जो फोर्ट बन रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वही स्टॉप कर दिया, सप्लाईज ही बंद कर दिया टू द साइट. द ब्रिटिश हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम मैनिक भंडारी एंड दौलत खान, द चीफ ऑफ मराठा नेवी. दे सीज्ड ब्रिटिश शिप्स एंड कैप्चर्ड अ नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. द ब्रिटिश डिप्लॉयड वन बिग स्टीम शिप एंड सेवन स्मॉल शिप्स. 40 to 50 स्मॉल शिप्स ऑफ द मराठास ब्रेवली कन्फ्रंटेड द ब्रिटिशर्स. मतलब एक बड़ा स्टीम शिप था, सेवन स्मॉल शिप्स थे, उसके सामने मराठास का आर्मी देखे तो मराठास के 40 to 50 स्मॉल शिप्स आ गए थे. मराठास ब्रेवली फॉट बैक अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. इन द एंड द ब्रिटिश वर फोर्स टू बीट अ रिट्रीट, दैट इज ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा वहां से एंड द विसिनिटी ऑफ खांदेरी. याद आया बच्चा लोग खांदेरी उंदेरी आइलैंड्स. Siddhi was increasingly getting difficult, hence Chhatrapati Sambhaji Maharaj decided to curb his movement. Restrict करने का plan किया कि भाई इसका जितना भी movement है ये Siddhi का, वो stop करो, restrict करो, and planned a campaign against him. Siddhi was driven to despair because of the repeated attacks by the Marathas in the vicinity of Underi, Apte, Nagothne and Janjira. While Chhatrapati Sambhaji Maharaj was thus planning to crush Siddhi forever, the Mughal army was marching towards Swaraj. It would have been unwise to face two enemies at two different fronts. Hence, Maratha stopped chasing Siddhi. After Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai were continuously engaged in combating Aurangzeb, fighting back against Aurangzeb. कौन? छत्रपति संभाजी महाराज के बाद छत्रपति राजाराम महाराज एंड महारानी ताराबाई. देयरफॉर दे कुड नॉट पे मच अटेंशन टू द न्यू सन्स क्रिएटेड बाय अदर एनिमीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बाजीराव पेशवा वन. वंस अगेन द मराठास बिकेम एक्टिव अगेंस्ट द सिद्धि. चिमाजी अप्पा, द यंगर ब्रदर ऑफ बाजीराव पेशवा वन, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट सिद्धि एंड वन इट. मतलब चिमाजी अप्पा ने वॉर किया, जीते, एंड दिस वॉज द टाइम वेन इट वॉज अ ग्रेटेस्ट विक्ट्री. अ ट्रीटी वॉज साइंड बाई द मराठास एंड सिद्धि. सिद्धि एक्सेप्टेड फ्यूडेटरी स्टेटस अंडर द मराठास. फ्यूडेटरी स्टेटस मतलब अभी वहां पे टैक्सेस सिद्धिज जो मुगल्स को भर रहे थे अभी मराठास को भरेंगे. द नेक्स्ट, द अफगान्स. All right, so in the latter half of the 18th century, the mighty Mughal Empire had already lost its glory. The Mughal rule was now limited. It was limited only to Delhi, Agra and Punjab. The year 1748 witnessed the first invasion of India by Ahmad Shah Abdali, the king of Afghans. He was defeated at Sarhind by Shahzada Ahmad Shah, the elder son of the emperor. In the year 1751, Abdali again invaded India. This time, the Mughal emperor ceded, that is captured, the provinces of Lahore and Multan to Abdali in order to avoid war. In 1752, the Marathas and the Mughals arrived at an agreement. According to that agreement, the Marathas accepted the responsibility to defend the northern part of India, especially the Mughal dominions.
In return, Mughal emperor granted the right to collecting Chauthai from Rohilkhand to the Marathas and also ceded part of some of the Mughal provinces. मतलब बच्चा अगर तुम लोगों को याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दिस थिंग दैट चौथाई चौथाई इज़ द 1/4 ऑफ द टोटल इनकम. वो उन लोगों ने बोला था कि भाई तुम लोग ले सकते हो. कुछ कुछ एरियाज़ में अलाउ किया था, कुछ कुछ एरियाज़ में नहीं किया था. सो इन 1757 अब्द अली अगेन अटैक्ट फॉर द थर्ड टाइम एंड ही रिटर्न टू अफगानिस्तान आफ्टर रैनसैकिंग द रीजन ऑफ डेली एंड मथुरा. मतलब वो रीजन कैप्चर करने के बाद वो चला गया अफगानिस्तान. कौन? अब्द अली. दिस टाइम द मराठा आर्मी मार्च्ड फ्रॉम पुणे अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुनाथ राव पेशवा बट बिफोर दे कुड रीच डेली अब्द अली हैड ऑलरेडी गॉन बैक. मराठास टूक चार्ज ऑफ डेली एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन देयर. बोला आज के बाद ये हमारा. मराठास एंड सिख्स टुगेदर प्लान्ड अ कैंपेन टू गेट बैक पंजाब which was held by Abd Ali. They conquered Sir Hind province and then Lahore. From there, the Maratha army reached Attock. Today's day, हम लोग जब भी देखें तो वो सिंध प्रोविंस आता है आगे जाके लाहौर एंड पाकिस्तान में. In 1759, Abd Ali marched back for the fourth time. दत्ताजी एंड जनकोजी शिंदे द मराठा नोबल्स रेजिस्टेड हिज एडवांसेस. रोक लिया. हाउएवर अब्द अली मार्च विद ग्रेट स्पीड एंड स्ट्रेंथ. मतलब वहाँ पे रोका था बट अब्द अली बहुत स्ट्रांग था विथ हिज आर्मी. ही कॉन्कर्ड पंजाब इन नो टाइम. दत्ताजी शिंदे फेल ऑन द बैटल फील्ड. अब्द अली टुक कंप्लीट होल्ड ऑफ डेली विथ एन इंटेंशन टू आउस्ट द अफगान परमानेंटली. वहाँ पे रूल आना चाहिए था. द मराठा आर्मी मार्च्ड आउट फ्रॉम पुणे अंडर द लीडरशिप ऑफ सदाशिवराव भाऊ पेशवा एंड विश्वासराव पेशवा. On 14th January 1761, the Maratha army and Abd Ali confronted each other at Panipat on the banks of River Yamuna. The war between them is known as the Third Battle of Panipat. This basically, both Peshwas were killed in this war. A message in code language was sent to Pune announcing the loss. It was as follows. Two precious pearls fell. 27 gold coins were lost and there is no count of silver and copper coins. Indeed, the Marathas on the battleground of Panipat fought with an unwavering conviction. Bahut beautifully fight kiya tha, which can be described as India for the Indians. It was not an easy task for Abd Ali to rule Delhi and he soon returned home. The Maratha opposition was so fierce that neither Abd Ali nor his successors ever returned to India. The British could establish absolute supremacy in India. यहाँ पे जब इंडिया में रूल आया, once the Maratha rule declined in 19th century, however, the Indians fought against the British supremacy. Besides, they also had to fight against many internal evil practices and customs that were prevalent in Indian society. So, जो customs चल रहे थे, जो social evils चल रहे थे, like sati system चलता था, widow remarriages चलता था, मतलब जो allowed नहीं था, वो अभी stop. In the next lesson, we will be learning about the social and religious reform. मतलब वो stop करना जरूरी था, तो social and religious reforms कैसे हुआ? That we are going to understand in the next lecture. Till then, take care, bye-bye, like, share and comment and subscribe to the channel. All the best, bacha log. Take care.